Shout out to Squarespace for sponsoring today's video. Recently, I visited Meghalaya in March for a very short time, but trust me, it was a great experience. So there will be two episodes. In the first one, we will be exploring the Shillong city, and in the second one, we will visit a new location which recently got popular, and I know that you're going to love it. For more on that, well, let's just begin. All set. मैं ऐसे नहीं कर रहा। सुबह 5 बजे की फ्लाइट है हमारी, तो अभी 2 बज चुके हैं यहाँ से, बस 3 घंटे का फ्लाइट टाइम हम पहुँच गए। पीछे लाइन देख रहे हो आप। फाइनली हमें लाउंज एक्सेस तो मिल गया है, 2 घंटे हमारे बाद यहाँ पे। यहाँ बैठते, माहौल अच्छा है ना यहाँ का। देख, सीट मिल रही है इतनी आराम से। बैंगलोर में भाई सीट का स्ट्रगल होता है। वहाँ पे सीट का स्ट्रगल होता है, सीट का स्ट्रगल होता है। सारे आईटी वाले लोग हैं ना, तो उन सबके पास लाउंज एक्सेस। Hey guys, good morning everybody. So अभी हम मेघालय के लिए निकल रहे हैं। अगले 3 दिनों के लिए हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिलहाल हम गुवाहाटी एयरपोर्ट से उतर के जस्ट अभी शिलोंग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से आई गेस 100 किलोमीटर हमें लगेंगे, तो 3-4 घंटे हमें लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। हमें लगा था जब हम निकले थे सुबह सुबह कि हो सकता है वहाँ पहुँच के सर्दी होगी, अभी मार्च का टाइम चल रहा है तो। बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ लगा नहीं, अपने जैसे ही है बिल्कुल, जैसे दिल्ली में था वैसे यहाँ पे सेम। हो सकता है कि आगे जाके पहाड़ों में चेंज हो जाए वेदर, मे बी सुबह सुबह ठंड भी हो, तो हम वैसे जैकेट वगैरह रखा है। बट फिलहाल के लिए इट्स ऑल सनी। कुछ कहना है? जैकेट्स रेडी है, वेटिंग फॉर कोल्ड वेदर। तो ये मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, मेरा बचपन का फ्रेंड है ये। कह दो हाय। हाय। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई एम अपीयरिंग इन एनी काइंड ऑफ वीडियो, राइट? यस। ये इनको लाइव रहना ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू वीडियो में कहीं आना है। तो इसके बाद मैं कभी ट्रिप नहीं किया बहुत टाइम से। मैंने सोचा था कि कभी तो एक बार हमको लाइफ में ट्रिप करना है जिसमें क्या कहते हैं हम थोड़ा बहुत शूट भी कर ले। पहले एक बार ही किया हुआ है जहाँ पे हमने कुछ ऐसे गए थे, गोवा गए थे, बट आई थिंक हमने कुछ शूट नहीं किया था वहाँ पे, मतलब साथ में कुछ किया, साथ में शूट नहीं किया था। तो और ये ज़्यादा घूमता भी नहीं वैसे, तो इसको मैंने सोचा चलो इस बार लेके आते हैं साथ में, घूम भी लेंगे, शूट भी हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा। तो बस यहाँ से फिलहाल हम चलते हैं अभी और इन्जॉय करते हैं रास्ते। तो अभी हम गुवाहाटी से निकल के यहाँ पे बड़ा पानी लेक पे पहुँच गए। पीछे में लेक है यहाँ पे इस साइड पे, जो कि थोड़ी दूर है, आई गेस शिलोंग से 15-20-25 किलोमीटर होगा बस। ऑलमोस्ट हम पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है पीछे। फ़िलहाल के लिए अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है, रास्ते में जब आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ऐसे यू नो कर्वी वाले रोड थे, तो हम रुक रुक के आ रहे थे, शूट करते आ रहे थे, वैसे पता नहीं चला। बट अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो बी प्रिपेयर्ड यू नो और ऐसे कर्व वाले रोड्स, और अगर आपको हेडेक हो रहा हो रास्ते में थोड़ा रुक जाओ। हमें लकीली ज़्यादा नहीं हुआ। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बस रुक के इन्जॉय करते हैं थोड़ी देर के लिए व्यूज़, और फिर यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट शिलोंग। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना यहाँ पे सितंबर में जब मैं आया था, उस टाइम पूरी ग्रीनरी थी यहाँ पे, और अभी एकदम मार्च टाइम है, तो इसलिए दैट्स व्हाई यू नो अभी ऐसे ड्राई ड्राई हो रहा है। तो जैसे अलग सीज़न में अलग ही वेदर रहता है बिल्कुल। अगर आप नहीं देखे तो सीरीज वाली ज़रूर देखना, तो उसमें आपको अच्छे दिखेगा यहाँ का व्यू कैसा दिख रहा था। फॉर नाउ क्या करना है? विल एंजॉय द व्यू फॉर अ व्हाइल एंड देन विल कंटिन्यू द जर्नी। यस, गुड। दो लाइन सिखाई थी मैंने इसको और इसने बोल दी सही से, गुड। आज जो इसने पहले बोला हूँ मैंने इसको सिखाया था। अरे भाई।
शिलोंग पार करके हम शिलोंग के अंदर ही हम निकल के यहाँ पे अभी कैफ़े में पहुँचे हैं। ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैफ़े है यहाँ पे, ML05 बोलते हैं इसको। और यहाँ से जो रास्ते से हम आए हैं, मुझे बहुत अच्छी लोकेशन लगी रास्ते में पेड़ों की, हम वहाँ पे अभी जाते हैं शूट करेंगे। बट फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है क्योंकि हमें सुबह से कुछ नहीं खाया। वहीं पर हमने ब्रेकफास्ट किया था लाउंज में, और उसके बाद अभी 1 बज गए। सबसे पहले पेट पूजा करनी है, उसके बाद हम कुछ शूट कर पाएंगे। थोड़ा चलते हैं ऊपर, लेट मी क्विकली शो यू द कैफे एंड विल सिट एंड एंजॉय। Further, let me talk to you about the sponsor of this video, which is Squarespace. It's basically an all-in-one platform which is very easy to use. If you need to create a website for your business or an online store, set up a portfolio or make a photography website, send emails, get audience insights, basically anything, all of that with beautiful templates without using any code. Isn't it amazing? So just click the link in the description to get 10% off of your first purchase while signing up, or use the link squarespace.com/ankitbharia. Now thanks again Squarespace for sponsoring this video. Now let's continue with the trip. So guys, अभी हम ML Cafe से निकलने के बाद अभी हम फिलहाल जा रहे हैं शिलोंग पीक की तरफ। हमें श्योर नहीं कि वो खुला कि नहीं खुला, बट हम होप कर रहे हैं वहाँ पे खुला हो, क्योंकि वहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखता है। और शाम बहुत जल्दी हो रही है, बस ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि 1 घंटा यहाँ पे जल्दी शाम हो जाती है। तो फिलहाल अभी ऑलरेडी 4:30 हो चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की सनलाइट बची है। हम फटाफट से जा रहे हैं, ट्राई करते हैं, वहाँ पर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो विल कम बैक एंड एक्सप्लोर द सिटी आज के लिए। और कल और परसों का हमारे पास दिन है, तो हम आसपास जाएंगे शिलोंग से, मे बी चेरापुंजी, लाइटलोम, ये लोकेशंस विल ट्राई टू कवर। बट फिलहाल के लिए जस्ट ऑन द वे एंजॉयिंग द व्यूज। यहाँ पे हम पीछे एयरफोर्स का गेट है, तो वो तो अलाउ नहीं है, पीछे बंद दिख रहा है। फिलहाल के लिए तो हम वापस निकलते हैं यहाँ से, लेट्स सी कहीं से भी हमें रास्ते में व्यू पॉइंट दिखेगा तो हम रुक जाएंगे, अदरवाइज लेट्स गो बैक टू द सिटी। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं कैथोलिक चर्च में, और मैं आपको सारिका से भी मिलवाता हूँ, मैंने अब तक मिलवाया नहीं है। सारिका हमें मिल गई थी ML कैफे में, बट हम शूट कर रहे थे तो हमें टाइम नहीं मिला। पर भाग कर रही हो, अरे व्लॉग में तो बोल रहे हो कुछ 2-4 लाइन। सॉरी, हाय। तो ये लड़की शिलोंग से यहीं पे रहती है। अभी फिलहाल के लिए मैं अपने घर गया था, अपने घर गई थी, अपने घर में हूँ मैं, यू आर इन माय टाउन। हाँ हाँ, मैं अब इसके यहाँ पे आया हूँ घूमने के लिए। कैसा लग रहा है 1.5 महीने बाद हम वापस मिल रहे हैं? एग्जैक्टली 1.5 महीना हो गया यार हमें। यू आर इन योर होम टाउन, मैं यहाँ थी, अब तुम यहाँ शूट के लिए आए हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द शूट ही हैज कम हियर। वरना तो कभी नहीं आते। आया तो हूँ किसी भी तरह, तुम तो बड़ी आ गई वहाँ पे कभी। ये चर्च काफी सुंदर है यार, है ना? ब्यूटीफुल, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस इन पुणे। सॉरी, पुणे बोल रही हूं, शिलोंग वाले लोग जो व्लॉग देख रहे हो, शिलोंग से होके बार-बार पुणे कर रही है। अच्छा, ये है यहाँ का मेन एरिया है, यहाँ पे मेन है ना ये? कुछ बताओ फिर यहाँ के चर्च के बारे में। चेहरा ठीक लग रहा है? हाँ, चेहरा वेरा सब ठीक लग रहा है। अविनाश भी यही बोल रहा था, मेरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा, मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे। हमारा ये हमारा ब्लॉग, मेरे को पता ही नहीं क्या ठीक लग रहा है, स्क्रीन भी उस साइड की हुई है। आदत हो गई है। People love you the way you are. हमें तो कुछ बोलना दे फिर। After that, we went to Police Bazaar, which is the main center point in Shillong. So, if you want to try out something local, then this is the best place. To dine out, we headed to Siri Hut Dhaba, and I must say, I was really impressed with the food here, so definitely try it out. So that's how we spent the entire day in Shillong, and now you know what to do when you visit here.
Hey guys, good morning. हम यहाँ पे सुबह सुबह गोल्फ कोर्स में आ गए. सुबह हम 6 बजे उठे थे यहाँ पे, उससे पहले ही ऑलरेडी सनराइज हो चुका था. फिर आधे घंटे में रहते हुए फटाफट से हम यहाँ पे आए और थोड़ा सा यहाँ पे शूट भी कर रहे थे और यू नो सुबह सुबह धूप का मज़ा भी ले रहे थे. लुक एट दिस व्यू फ्रॉम हियर. पर यहाँ आके अच्छा लगा. कल जो पूरा दिन था वो दोपहर में हमें यू नो गर्मी भी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अभी जो आए हैं ठंड नहीं हो गई, वो वाला था ना मिस्ट वाला वेदर, वो आज हमें लगा. आपको बताया था इस बार जो मैं मेघालय आया था वो मैं एक शूट के लिए आया था, तो वो हमारा अभी जाके ख़त्म हुआ है और अभी मुझे एडिट करके भी देना है वो. एक बात तो, अगर मैं ऐसी लोकेशंस पे रह रहा हूँ ना तो मुझे शूट करते वक्त कभी भी लोकेशंस की कमी तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ आप शूट कर सकते हो, हर तरफ. ये बहुत अच्छी बात है यार. एक चीज़ है जो मैं अपने वहाँ पे मिस करता हूँ, जब भी कुछ होता है तो मुझे लगता है अरे यार ऐसी जगह होनी चाहिए, मज़ा आ जाता है और फील भी अच्छा होता है. यू नो आप ऐसी जगह पर रहते हो ना, छोटी सी सिटी है, प्यारी सी, चारों तरफ अपने पहाड़ी है, पहाड़ है. इट फील्स गुड. अभी मैं बहुत अच्छा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ अंदर से. कल हमारे पास पूरा दिन होगा एक्सप्लोर करने का, तो कल हम सोच रहे हैं शायद चेरापुंजी चले जाए अर्ली मॉर्निंग. वेल आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट वी डिडंट गो टू चेरापुंजी द नेक्स्ट डे. इंस्टेड वी वेंट टू अ न्यू लोकेशन एंड आई हैव सीन वन ऑफ द बेस्ट सनराइज एवर इन माई लाइफ हियर. सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड बिकॉज इट्स गोना बी कमिंग अप इन द नेक्स्ट एपिसोड. So if you enjoyed it, then do give this video a thumbs up, subscribe to the channel for future videos and hit the bell notification icon as well. That is really important. And with that said, I will see you in the next one. Till then, take care. Bye-bye. Dhanyawad.